गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमो नमः सुप्रभातम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है रिद्धि संस्कृतम, जिसमें जो प्रथम चैप्टर है वो है वंदना। तो हम वंदना, माता सरस्वती की वंदना करते हुए हम अपनी पुस्तक का शुभारंभ करेंगे। तो जो वंदना है वो है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देही नमोस्तुते ते। इस श्लोक में बताया गया है कि हे महाभाग्यवती, हे महाभाग्यवती माता सरस्वती, ज्ञान रूपी विद्ये ज्ञान रूपी कमल लोचने, कमल आँखों वाली, कमल के समान आँखों वाली, विद्या रूपी विशालाक्षी और विद्या के समान या विद्या रूप वाली विशाल आँखों वाली, विद्याम देही नमोस्तुते ते। हे विद्या की देवी, हमें विद्या दो, हम आपको प्रणाम करते हैं। अर्थात हे महाभाग्यवती ज्ञान रूपी कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। इसमें कहा गया है कि शरत काल में उत्पन्न कमल के समान मुख वाली और सब मनोरथों को पूरा करने वाली माता शारदा, अर्थात सर्वदा अस्माकं सभी मनोरथों को पूरा करने वाली शारदा, सब संपत्तियों के साथ मेरे मुख में सदा निवास करे। असतो मा सदगमये तमसो मा ज्योतिरगमये मृत्योर्मा अमृतम गमये। इस श्लोक में कहा गया है कि हे माँ, हमें असत्य से सत्य के ओर ले चलो, अर्थात असत्य से बुराई से हमें अच्छाई के मार्ग पर ले चलो। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो हो अर्थात तमस है अंधकार से, अर्थात ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार से हमें ज्योतिर्गमय है ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमये, हे माँ हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। अर्थात हे ईश्वर, मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। ये थी हमारी वंदना। अब हम देखेंगे जो हमारा प्रथम पाठ है उसका नाम है वर्ण विचार है। वर्ण विचार अर्थात हम वर्ण के विषय में अब विचार करेंगे, अर्थात वर्ण के बारे में हमें पढ़ेंगे, जो है वर्णमाला। अब वर्णमाला में जो सबसे पहला जो शब्द है वो है वर्ण। अब हम वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात भाषायाः लघुतम है, अंश है, वर्ण है, कथ्यते। भाषायाः भाषा का लघुतम है, सबसे छोटा अंश है, अंश वर्ण कथ्यते, वर्ण कहलाता है। और दूसरा शब्द इसमें माला, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णमाला है, वर्णमाला किसे कहेंगे? जो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसको हम कहेंगे वर्णमाला। वर्ण अथवा अक्षर दो प्रकार के होते हैं, वर्ण अथवा अक्षर दो प्रकार के होते हैं। वर्ण को ही हम बोलते हैं अक्षर। अक्षर न सरति इति अक्षर है, जिसके टुकड़े नहीं हो वे शब्द कहलाते हैं अक्षर। जैसे अ, जो अ है उसका या अ का हम कोई टुकड़े नहीं कर सकते,
क्योंकि ए एक स्वतंत्र वर्ण है, इसलिए ए क्या है, वर्ण जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जिस भी वर्ण के या जिस भी अक्षर के हम टुकड़े नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। जैसे अब वर्ण है ना दो प्रकार के होते हैं, एक है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। एक है स्वर, एक है व्यंजन। जो स्वर है, स्वर किसे कहते हैं, वे अक्षर जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात स्वतंत्र जो वर्ण होते हैं उनको हम कहते हैं स्वर वर्ण। क्योंकि जो स्वर वर्ण है वो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे ए, इसमें केवल एकी ध्वनि ही सुनाई दे रही है या एकी ध्वनि ही उच्चारित हो रही है, इसमें कोई दूसरा सब वर्ण या शब्द नहीं दिख रहा, इसलिए और ए है तो इस ए का हम कोई टुकड़े नहीं कर सकते, आ के हम कोई टुकड़े नहीं कर सकते, ई का भी कोई टुकड़े नहीं कर सकते, और ई जो दीर्घ ई है इसका भी हम कोई टुकड़े नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है वे अक्षर जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम कहते हैं स्वर वर्ण। फिर है व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, वे अक्षर जिनका उच्चारण करने के लिए किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात व्यंजन वर्ण उनको कहेंगे जो स्वतंत्र नहीं होते, जो परतंत्र होते हैं। जैसे क, प, ट, त, प आदि। ये जो क है, इस क बोलने में हमें ध्वनि सुनाई दे रही है ए की, लेकिन इसमें ए नहीं है, ये हलंत वर्ण क है, तो हम जैसे ये क आ गया तो इस क के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये कहलाता है वर्ण कहलाता है। क्योंकि हम क, जब इसमें क में ए मिला हुआ होता तब तो हम इसके टुकड़े कर सकते थे, तब ये वर्ण नहीं कहलाता, लेकिन ये क है वो भी हलंत है, इसलिए इसमें ए नहीं मिला हुआ, इसलिए हम इसको वर्ण कह सकते हैं। यदि इसमें क में ए मिला हुआ होता तो हम इसको वर्ण नहीं बोलते, क्योंकि वर्ण की परिभाषा क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अर्थात जिस वर्ण के कोई टुकड़े नहीं होते, जिस वर्ण का कोई विच्छेद नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। अब देखते हैं हम वर्णमाला। जो वर्णमाला है वो उसमें वो दो प्रकार की होती है, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। जैसे कि हम देखते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं, और व्यंजनानि और व्यंजन होते हैं 33, अर्थात 33। कितने व्यंजन होते हैं, 33, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन 33। अब जो स्वर वर्ण है, जो स्वर वर्ण है वो वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। जो स्वर वर्ण होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऋष्व स्वर वर्ण, एक होते हैं दीर्घ स्वर वर्ण, और एक होते हैं संयुक्त स्वर वर्ण। जैसे ऋष्व, ऋष्व स्वर वर्ण में ए, ई, उ, री, लि, ये जो 5 होते हैं वो ऋष्व ऋष्व स्वर वर्ण होते हैं, अर्थात जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, अर्थात मात्रा नहीं लगती, उन स्वर वर्णों को हम कहते हैं ऋष्व स्वर वर्ण। दूसरा है दीर्घ, जिन वर्णों को बोलने में ऋष्व से दुगुना समय लगता है उनको हम बोलते हैं दीर्घ वर्ण, अर्थात ए को बोलने में लगता है ए एक मात्रा और आ को बोलने में 2 मात्रा लगती है आ, अर्थात जो आ है वो ए धन ए, अर्थात
अ और ए, अर्थात दो ऐसे मिलकर के बना है आ, इसलिए इसे कहते हैं दीर्घ। ई भी दो ई से मिलकर के बना है, उ भी दो ई से मिलकर के बना है, और री भी दो री से मिलकर के बना है, इसलिए दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि दीर्घ स्वर वर्णों को बोलने में ऋष्व वर्ण से दुगुना समय लगता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। अब संयुक्त, संयुक्त स्वर वर्ण कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण होते हैं ए आई ओ औ। अब आ और ई और री, ये भी तो दो ऐसे मिल, जैसे ये भी दो दो वर्णों से मिलकर के बने हैं, और ये जो संयुक्त स्वर वर्ण होते हैं वो भी दो दो वर्णों से मिलकर के बने हुए होते हैं, लेकिन जो दीर्घ वर्ण होते हैं वो अपने ही समान स्वर वर्ण से मिलकर के बने होते हैं, जैसे ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस ए, तो यहाँ बना जो आ बना वो समान स्वर वर्ण से मिलकर के बना, लेकिन जो संयुक्त जो स्वर वर्ण होते हैं, जो संयुक्त स्वर वर्ण है वो मिलकर बनते हैं दो अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर के बनते हैं, जैसे ए आई ओ औ। अब जो ये ए है, जो ए जो मिलकर बन रहा है वो बन करके मिल रहा है ए या आ, ई अर्थात ई से मिलकर के बन रहा है, अर्थात जैसे हम देखें कि जो ऋष्व, जो ऋष्व स्वर वर्ण थे वो है ए ई उ री और ल्री, ये जो पांच जो थे वो ऋष्व स्वर वर्ण थे। अब इनके अलावा जो संयुक्त वर्ण की बात कर रहे थे अपन, संयुक्त स्वर वर्ण, अब जो ये जो संयुक्त स्वर वर्ण है वो अलग अलग दो स्वर वर्णों से मिलकर के बनाया है, जैसे संयुक्त स्वर वर्ण होते हैं ए आई ओ औ, ये जो चार जो संयुक्त स्वर वर्ण होते हैं वो दो दो स्वर वर्ण अर्थात दो अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, जैसे ए बनता है ए या आ के बाद में जब ई या ई आए तो बन जाता है ए, जो आई है वो बनता है ए या आ के बाद में जब ए या आई आए तो बनता है आई, जो ओ है वो बनता है जब ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आए तो बनता है वो ओ, जब ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में जब ओ या औ आए तो बनता है औ। अब हमने देख लिया कि भाई ये संयुक्त स्वर वर्ण क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो ये संयुक्त स्वर वर्ण हैं वो अलग 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 स्वर वर्णों से मिलकर के बने हुए होते हैं, इसलिए हम इनको स्वर वर्ण कहते, संयुक्त स्वर वर्ण कहते। अब जो हमारे ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो होते हैं 33 अर्थात 33 जो वर्ण होते हैं वो होते हैं व्यंजन वर्ण, जिसमें से पहला है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन वर्णों को हम, इन जो जो 25 वर्ण होते हैं इन 25 वर्णों को हम कहते हैं स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी जो वर्ण हैं वो हमारे किस हमारे शरीर के, हमारे मुख के, हमारे गले के किसी ना किसी से स्पर्श होकर के ही निकलते हैं, इसलिए हम लोग इनको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। स्पर्श वर्ण में जो सबसे पहला जो समूह होता है वो होता है क वर्ग,
क का मतलब क की लाइन और वर्ग का मतलब समूह है। तो सबसे पहले जो आएगा वो क का समूह आएगा। तो क में जो कवर्ग है उस कवर्ग में भी पांच व्यंजन होते हैं, क ख ग घ ड। ये जो पांच व्यंजन है, जो ये पांच वर्ण है, वो कवर्ग के पांच व्यंजन वर्ण है। फिर आता है चवर्ग, च छ ज झ ञ। फिर आता है टवर्ग, ट ठ ड ढ ण। फिर आता है तवर्ग, त थ द ध न। फिर आता है पवर्ग, प फ ब भ म। ये 25 वर्ण होते हैं, वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब जो अंतस्थाः ये हो गए 25। अब जो 8 वर्ण होते हैं, 8 जो व्यंजन वर्ण होते हैं, वो होते हैं अलग। जैसे 4 होते हैं अंतस्थाः और 4 होते हैं उष्मवर्णाः। तो अंतस्थ य र ल व उष्माण है। जो उष्मवर्ण होते हैं वो होते हैं श श स है। अर्थात अब हम देखेंगे कि अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं, अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं। जो अंतस्थ वर्ण कहते हैं जिन वर्णों को बोलने पर जो हमारी प्राण वायु है, अर्थात जो हवा है, जो प्राण वायु है, वो हमारे मुख के अंदर ही रहे, वो कहलाती है अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। जैसे बोली ये, ये, रे, ले, वे, इनको बोलने पर हवा हमारे मुख के अंदर ही वापस जाती है, अंतस्थ है अर्थात अंदर ही स्थित रहने वाले। उष्माण है, उष्माण है उष्म वर्ण, अर्थात जिन वर्णों को बोलने पर उष्मा अर्थात जो हवा है, जो ऊर्जा है, वो हमारे शरीर से अर्थात हमारे मुख से बाहर आए, उनको कहते हैं उष्म वर्ण। अर्थात जैसे श श स है, इन वर्णों को बोलने से हमारे जो शरीर की जो प्राण वायु है वो बाहर आ रही है, इसलिए हम कहते हैं इनको उष्म वर्ण कहते हैं। कवर्ग से पवर्ग तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इनको स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्पर्श जो वर्ण होते हैं, जो 25 ये जो वर्ण होते हैं, वो हमारे मुख के या गले के शरीर के किसी ना किसी से किसी ना किसी हिस्से से स्पर्श होकर के ही बाहर आते हैं। अब हल चिन्ह, हल जो चिन्ह है वो बता रहे हैं कि हल चिन्ह किसे कहते हैं। यदि हम क का उच्चारण करेंगे तो क के साथ ए की ध्वनि भी मुख से निकलेगी। यदि हमें क का उच्चारण करेंगे तो क के साथ ए की ध्वनि भी मुख से निकलेगी। अर्थात क या अन्य व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क या अन्य व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें अन्य स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे क धन ए बराबर क बना, क्योंकि ये क अभी तक तो क्या है, हलंत है। जो ये नीचे जो चिन्ह लगा हुआ है वो हलंत का है, तो इसलिए क में जब ए मिलाएंगे तो ये पूरा क बनेगा, और ख में जब ए मिलाएंगे तो पूरा ख बनेगा, क में जब आ मिलाएंगे तो का बनेगा, ख में जब आ मिलाएंगे तो खा बनेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो स्वर वर्ण है वो तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं बोले सकते। देखा हमने किसी भी व्यंजन में ए या आ अर्थात स्वर जुड़ने से उसके नीचे लगे हल चिन्ह का लोप हो जाता है। जब मान लो कि हम ये क है, क में जब ए मिलाएंगे तो क अभी हलंत है, कभी अभी क जो है वो अभी अकेला है, इसलिए जब क में ये ए मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, क बन जाएगा, और जो ये चिन्ह है नीचे का हल जो को हल्का जो चिन्ह है वो उसका लोप हो जाएगा। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में दो और ध्वनियाँ भी हैं जिन्हें अयोगवाह है कहते हैं।
अनुस्वार नासिका से निकलने वाली ध्वनि है, विसर्ग का उच्चारण है कि भांति होता है। अयोग वाह की भी बात करें, यहाँ पर दो और होते हैं, अनुस्वार नासिका अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार, जो अनुस्वार है वो नासिका से अर्थात नाक से निकलने वाली ध्वनि है। जैसे बोलते हैं ज्ञानम, विसर्ग का उच्चारण है कि भांति होता है, जैसे बालक है, छात्र है, पीक है। अनुस्वार की ध्वनि नासिका से निकलने वाली ध्वनि है, जैसे संस्कारम, संस्कारम। जो ये अनुस्वार है, ये जो अनुस्वार है जो बिंदी रूप में है, बिंदु रूप में है, वो अनुस्वार है। तो ये अनुस्वार रूपी जो है वो कहाँ से निकलने वाली ध्वनि है, नासिका से निकलने वाली ध्वनि है। संस्कृतम संज्ञा, विसर्ग यथा बालक है, अर्थात ये जो विसर्ग है इसका उच्चारण हमें है की तरह ही करेंगे। जैसे बालक, बालक, बालक के आगे लगा दिया विसर्ग तो क्या बना, बालक है, छात्र है, पीक है, ये बना। जिस तरह से हमने देखा कि संयुक्त स्वर वर्ण होते हैं, देखा हमने कि संयुक्त स्वर वर्ण होते हैं, वैसे ही संयुक्त व्यंजन वर्ण भी होते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण भी होते हैं। जो जैसे जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तो संयुक्त बन जाता है, जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन वर्ण से मिलेगा तो क्या बनेगा, संयुक्त व्यंजन वर्ण बन जाएगा। जैसे यथा, जैसे क प्लस श दोनों को मिलाए तो क्या बना, श। अब आप देख रहे होंगे कि जब दो वर्ण मिल जाते हैं तो पूरा हो जाता है, ऊपर देखा कि हल हट जाता है, लेकिन हलंत चिन्ह हट जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब दो स्वर अर्थात न मिल रहे हो, दो स्वर न मिल रहे हो, अर्थात जब दो व्यंजन आपस में मिल रहे हो ना, तो एक व्यंजन वर्ण बनने वाला भी हलंत ही बनेगा। जैसे द धन य ध, द धन य, श प्लस र श्र, र प्लस प प्र, त प्लस र त्र, ज प्लस ञ, प प्लस र प्र, ये शब्द बने। उदाहरण क्षमा, जो क्षमा में जो श है वो बना है क और श से, इसलिए श शब्द क्या हो गया, क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन वर्ण हो गया। क्षत्रिय में भी देखो श है, त्रि है, श जो ये श है वो क और श से मिलकर के बना, तो ये श हो गया, संयुक्त व्यंजन वर्ण हो गया। और जो त्र है, इसमें त्रि में त्र है, वो त और र से मिलकर के बना, इसलिए क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन वर्ण हो गया। श्रम आश्रम, आश्रम है, आश्रम में हमने देखा कि जो श्र है वो बनाया स और र से, तो इसलिए क्या बन गया, श्र। ज्ञानी में हमने देखा कि ज और य से मिलकर के बना है ज्ञ, तो इसलिए बना ये ज्ञानी। विद्या में देखा कि द और य से मिलकर के बना है द्य, और सर्प है, सर्प में देखा र और प से मिलकर के बना है प। जैसे कि हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण में कैसे बनते हैं, जहां पर दो संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं, कौन कौन से, वैसे जैसे श त्र ज्ञ श्र इत्यादि जो वर्ण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। जिन अर्थात जिन वर्णों में दो संयुक्त, दो व्यंजन वर्ण मिले हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण। जैसे श है, ये श जो बनता है, जो ये श बनता है वो बनता है क और श से मिलकर के बनता है। जो त्र है, ये त्र बनता है त और र से मिलकर के बनता है त्र। ज्ञ है, ये ज्ञ जो बनता है वो हलंत जै और हलंत य से मिलकर के बनता है। जो श्र है, ये जो श्र है ये बनता है श और र से मिलकर के बनता है। तो ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो हमने देखा
कि स्वर वर्ण, हमने देखा कि स्वर वर्ण, स्वर वर्ण कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, कुल कितने हो गए, 13। हमने देखा कितने हो गए, 13, जिसमें से इस स्वर वर्ण भी कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे। हमने देखा कि ऋस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और संयुक्त स्वर वर्ण। ऋस्व स्वर वर्ण कितने होते हैं, 5, दीर्घ कितने होते हैं, 4, संयुक्त कितने होते हैं, 4। ऋस्व में देखा हमने ए, ई, ऊ, री और लरी, ये देखा। दीर्घ में हमने देखा आ, ई, ऊ और री, और संयुक्त में देखा ए, आई, ओ और औ, ये देखे हमने संयुक्त स्वर वर्ण। और हमने व्यंजन वर्ण देखे, व्यंजन वर्ण में हमने देखा कि 25 तो होते हैं स्पर्श वर्ण, 25 कितने होते हैं स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण में कौन कौन से आते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये जो आते हैं, ये जो वर्ग होते हैं कह चटता पे, जो ये वर्ग होता है वो आता है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण में आगे जैसे क, ख, ग, घ, ये यथार्थ जैसे क, ख, ग, घ, न, जो ये होता है, ये होते हैं स्पर्श वर्ण। फिर देखे हमने अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन से कहलाते हैं, अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं जो जिनको, जिन वर्णों को बोलने से हमारे जो शरीर की प्राणवायु है वो हमारे शरीर के अंदर ही रहती है, वो कहलाते हैं अंतस्थ वर्ण। जैसे य, व, र, ल। फिर हम देखा ऊष्म वर्ण, जो ऊष्म वर्ण है वो कहलाते हैं जिनको बोलने से हमारे जो शरीर की जो प्राणवायु है वो प्राणवायु बाहर निकलती है, जिनको बोलने से, जैसे स, श, श, है, ये कहलाते हैं ऊष्म वर्ण। फिर हमने देखा हल वर्ण, हल चिन्ह देखा हमने कि हल जो चिन्ह होता है वो हमेशा व्यंजन वर्णों के ही नीचे ही लगता है, हल जो चिन्ह होता है वो व्यंजन वर्णों के नीचे ही होता है, कभी भी स्वर वर्ण के नीचे नहीं होता है। जैसे ए, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, लेकिन हम क, ख, च, प, त इत्यादि वर्णों को हम हल के रूप में लिख सकते हैं। फिर हमने देखा फिर अनुस्वार, अर्थात अयोगवा है, देखा अयोगवा भी हमने दो रूप देखे, एक देखा हमने अनुस्वार, जिसकी ध्वनि नासिका से अर्थात नाक से निकलती है। फिर देखा हमने दूसरा, देखा विसर्ग, विसर्ग की ध्वनि है इस रूप में करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अयोगवा है, और ये हो गया अयोगवा में विसर्ग और अनुस्वार। जो विसर्ग का चिन्ह होता है, विसर्ग का चिन्ह तो ये होता है, और अनुस्वार का चिन्ह होता है ये। अब जो आगे की कक्षा होगी उसमें देखेंगे हम वर्ण संयोजन, वर्ण वियोजन, अर्थात वर्णों का संयोजन करना, वर्णों का वियोजन करना, ये आगे के कक्षा में हम देखेंगे।